फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप हायर एजुकेशन में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने हरियाणा की जो नई स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो यह है इसका दूसरा भाग है। तो आपने अगर पहला भाग नहीं देखा है तो आप वो भाग भी ज़रूर देखिएगा। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अंत में आपको मिल जाएगा। तो ये स्कीम का दूसरा भाग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोबरधन योजना की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से की गई है। तो दोस्तों, गोबरधन योजना की शुरुआत जो है वो की गई है कुंजपुरा से। तो ये है कुंजपुरा, करनाल जिले में है, और गोबरधन योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को करनाल के कुंजपुरा से की गई थी। तो केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से इस योजना की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो है वो पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस कचरे से सीएनजी गैस का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है कि अंत्योदय सेवा केंद्रों में कितनी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अंत्योदय सेवा केंद्र जो है यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा सेवाओं की जानकारी जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार अब बुजुर्गों को कितने रुपए मासिक पेंशन देगी। तो अभी जो है वो 1 नवंबर 2018 से पेंशन बढ़ाकर अभी 2000 रुपये कर दी है, 2000 रुपये महीना। तो इसमें जो बुजुर्ग हैं या विधवा है या जो दिव्यांग है तो उनकी पेंशन अब 2000 रुपये हो गई है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार विधवा पेंशन की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू करने जा रही है। तो ये है दोस्तों, विधवा पेंशन की तर्ज पर है विदुर पेंशन योजना। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो इसके तहत जो वो 45 साल की उम्र से ऊपर के विदुर जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, यानी कि जिनकी पत्नी मर गई है और उन्होंने शादी नहीं की और उनकी उम्र जो है वो 45 साल से ऊपर है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। तो इनका आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी पूजा ढांडा किस जिले से है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी भिवानी, सी हिसार या डी करनाल। तो इसका आंसर आप मुझे अभी दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि भावांतर भरपाई योजना हरियाणा में कहाँ से लागू की गई है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी पानीपत, सी यमुनानगर या डी पलवल। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे भी आपकी तैयारी का पता चलता रहे। और जो मैंने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन था कि हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये दिया गया है 5 खिलाड़ियों का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन था कि भारत का पहला और एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हरियाणा में कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों, ये खोला गया है सोनीपत में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि मैं हर रोज़ जो है वो एक नए टॉपिक पे और एक नया वीडियो लेकर आता हूँ। तो ये जो वीडियोज़ हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने भी कहा था कि स्कीम से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो इसीलिए आपके लिए स्कीम का वीडियो इसका दूसरा भाग मैं लेकर आया हूँ। तो इसका पांचवा क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो ये किया गया है नूह से। तो इस योजना का जो उद्देश्य है मुख्य वो है कि हर घर में बिजली उपलब्ध हो। नेक्स्ट है कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा में फर्जीवाड़ रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर कब से लागू किया है। तो दोस्तों, ये किया गया है 1 अप्रैल से। तो इसके तहत जो है नए सॉफ्टवेयर के तहत अब जो एस्टिमेट्स बनाए जाएंगे वो इसी सिक्योर सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किए जाएंगे, और इसके द्वारा तैयार होने पर इसमें धांधली की संभावनाएं कम रहेगी। नेक्स्ट है कि टीबी रोगियों को इलाज के लिए हर महीने 500 रुपये की योजना कब से शुरू की गई है। तो ये की गई है 1 अप्रैल 2018 से। तो सरकार ने जो है वो टीबी को जल्द ही समाप्त करने का लक्ष्य रखा है,
और इसीलिए जो है ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इसमें परिवर्तन करके इसका जो है वो नया नाम क्या किया गया है। तो दोस्तों इसका ये किया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर है, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन स्कीम 2018। तो इस स्कीम को जो है वो अब हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन स्कीम 2018 के नाम से जाना जाएगा। और अब ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक जो है वो हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर आयुक्त के रूप में भी कार्य करेगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश के पहले स्टार्टअप इनक्यूबेटर कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों ये खोला गया है पंचकुला में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो पंचकुला के सेक्टर एक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इसको खोला गया है। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य शुभ्र ज्योत्सना पेंशन किन्हें प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने वालों को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के ऐसे निवासियों को जिन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया था उन्हें यह पेंशन दी जाएगी। और आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम 1971 और भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 के तहत जो जिनको कारावास जाना पड़ा था, और इसके अलावा जो व्यक्ति हरियाणा के अधिवासी नहीं है परंतु आपातकाल के दौरान जो वो हरियाणा से गिरफ्तार हुए और हरियाणा के जेलों में रहे उनको भी जो इस पेंशन का लाभ मिलेगा। तो ये नियम जो है वो ऐसी व्यक्तियों के विधवाओं के लिए भी लागू हैं और इसके तहत 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है वो 1 नवंबर 2017 से की गई है, यानी कि इसको 1 नवंबर 2017 से लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि अंत्योदय आहार योजना के दूसरे चरण में हरियाणा के कितने जिलों में सरकारी भोजनालय खोले गए हैं। तो इसके तहत दूसरे चरण में जो है वो 6 जिलों में खोले गए हैं। तो ये जो 6 जिले हैं वो है भिवानी, अम्बाड़ा, फतेहाबाद, करनाल, पंचकुला और पानीपत। तो इससे पहले जो पहला चरण था उसमें 4 जिलों में खोले गए थे, तो वो थे फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम और यमुनानगर। अभी जो है वो लगभग सभी जिलों में ये खोले गए हैं। नेक्स्ट है कि प्रदेश में किस मिशन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की गई है। तो दोस्तों ये किए गए हैं मिशन अंत्योदय के लिए, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय मिशन के तहत हरियाणा की कितनी ग्राम सभाओं का चुनाव किया है। तो ये किया गया है 1108 ग्राम सभाओं का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हरियाणा के कितने जिलों में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2018 को अंत्योदय भवनों का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था 7 जिलों में। तो ये 7 जिले हैं कैथल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल और जींद। तो अब जो है वो गरीबों को सभी सुविधाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि उन्हें जो है वो अलग अलग जगह पर चक्कर न लगाने पड़े। नेक्स्ट है कि हरियाणा सक्षम योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो जो सक्षम योजना है वो हरियाणा में 1 नवंबर 2016 से लागू की गई थी। इसके तहत जो वो बेरोजगार पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको उनके जो है शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से पेंशन जो जो काम के हिसाब से जो उनको राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट है कि प्रदेश की जेलों में सजा काट रही मां के साथ बंद बच्चों को प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे। तो ये दिए जाएंगे दोस्तों 2,000 रुपये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 7 स्टार विलेज योजना जो है इसकी शुरुआत की थी कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो 26 जनवरी 2018 को रेवाड़ी में जो है वो 7 स्टार योजना की शुरुआत कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने की थी। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा कब शुरू किया था। तो ऑपरेशन दुर्गा जो है वो मंचलों को सबक सिखाने के लिए शुरू किया गया था, और इसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा में 13 अप्रैल 2017 को की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है
कि 340 गांव व 140 क्लस्टरों में फसल समूह विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था ऊंचा मांजरा गांव से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो 21 फरवरी 2018 को कृषि एवं किसान कल्याण तथा विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गुरुग्राम जिले के ऊंचा मांजरा गांव से जो है वो इसका उद्घाटन किया था, और इसके तहत जो है वो 3 वर्षों में 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का वह पहला राज्य जहां से आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों आयुष्मान योजना की शुरुआत जो है वो हरियाणा से की गई थी, ये की गई थी 15 अगस्त 2018 को, और बाद में जो है इसे पूरे देश में लागू किया गया था 23 सितंबर को, अभी जो इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो आयुष्मान योजना के तहत जो है वो किसी भी गरीब व्यक्ति को अपनी गंभीर बीमारी के लिए बड़ा ऑपरेशन करवाने या उसका इलाज करवाने के लिए जो है वो सरकार की तरफ से इसमें मदद प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्कीम से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका भी भला हो सके, क्योंकि एग्जाम्स अभी आ चुके हैं। और अगर आप मेरे आगे आने वाले इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूं। तो जैसे ही आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और दोस्तों अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैंने haryanacurrentgk.com नाम से वेबसाइट बना रखी है, तो आप उसके ऊपर जाकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो करंट अफेयर्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके और भी जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मिलेंगे। तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, उसका लिंक मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप इसका जो पहला भाग था हरियाणा स्कीम्स का तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ।